न्यूज फोर बिहार की टीम पहुंची है चकिया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी संतोष कुमार महतो जी। संतोष कुमार महतो जी, आप मुखिया प्रत्याशी हैं, इसके उपरांत मतलब किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा तो बहुत है हमारा, पहले सब न्यूज चैनल वाले को सब मैं आभार प्रकट करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। मैं चकिया पंचायत से रिजर्व सीट है, उसमें मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता अगर चाहेगी तो हम चुनाव जीतेंगे और जनता के प्रति हमेशा हम खड़े रहते हैं, चाहे दिन हो या रात हो। और हमेशा मेरा रहता है कि समाज सेवा कर रहे, ठीक है, लेकिन हमारे पंचायत में कुछ मतलब डमी कैंडिडेट हैं, ठीक है ना। अगर जनता चाहेगी तो उसको पंचायत हमारा चेंज होगा, ठीक है, इसी मुद्दे पर चुनाव। संतोष जी चकिया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं, ये कह रहे हैं कि लोगों के अंदर ये चीज़ है, बदलाव की परिवर्तन है, और ये किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं ये आप हमको थोड़ा सा बता दीजिए कि हाँ किस किस मुद्दे मुख्य मुद्दा आपका क्या है चुनाव लड़ने का? मुख्य मुद्दा है युवाओं का, युवाओं को मतलब उत्प्रेरित करना या आगे बढ़ाना, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि जो बहुत सारे हम लोग क्षेत्र में बहुत चकिया पंचायत बहुत पीछे गया है, अगर इस 5 साल की बात करें तो हमारे पंचायत इतना पीछे गया है, ठीक है। हमारे पंचायत का मैंने दुर्भाग्य कहिए, ठीक है, हमारे पंचायत में प्रमुख भी रहे और मुखिया भी हैं, ठीक है, इसके बाद भी नहीं कोई धरातल पे काम पहुंचा है और उसी के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जनता पब्लिक सपोर्ट करेगी तो मैं धरातल पे काम लाऊंगा, ठीक है, इसी आशा के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। संतोष कुमार जी का कहना है कि मैं चकिया पंचायत का, हमारे चकिया पंचायत में प्रमुख भी हैं और मुखिया भी हैं, फिर भी हमारे गांव का विकास नहीं हुआ, जिसके उपरांत मैं अपने चकिया पंचायत के विकास के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं और लोगों को विकास करने का प्रयत्न करूंगा। ये संतोष